डियर स्टूडेंट्स आज की वीडियो लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन टू कम्प्यूटर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर्स और एमसी क्यूज को सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर्स वट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग अ ग्रुप ऑफ इंडिवल्स वर्किंग टूगेदर ऑन अ गिवन प्रोजेक्ट एंड शेयर देयर आइडियाज़ विद द हेल्प ऑफ कम्प्यूटर नेटवर्क इज नोन एज अ वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग जब दो या दो से ज़्यादा लोग किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हों और आपस में अपने आइडियाज को शेयर कर रहे हैं विद दी हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क दैट कंप्यूटिंग इज नोन एज अ वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग इट इज़ आल्सो नोन एज अ कोलेबरेटिव कंप्यूटिंग अगर आपको वो कोलाबरेटिव कंप्यूटिंग के बारे में पूछता है तब भी हम यही डेफिनेशन लिखेंगे अगर वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग के बारे में पूछता है तब भी हम यही डेफिनेशन लिखेंगे वट इज द परपज ऑफ ई मेल ई मेल स्टैंड फॉर एलेक्ट्रॉनिक मेल इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग मैसेज डायरेक्टली फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर अगर हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डायरेक्टली मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो ऐसे प्रोसेस को हम ई मेल का नाम देते हैं द सेंडर एंड रिसीवर मे बी सिटिंग इन द सेम रूम और एनी वेयर इन द वर्ल्ड ई मेल आल्सो अलाउ यूजर टू सेंड डॉक्यूमेंट्स इमेजेज आरियो एंड वीडियो फाइल्स विद द हेल्प ऑफ अटैचमेंट ईमेल के साथ हम सिर्फ और सिर्फ मैसेज ट्रांसफर नहीं कर सकते बल्कि इसके साथ हम किसी भी डॉक्यूमेंट को अटैच करके ट्रांसफर कर सकते हैं वट इज आर्पानेट आर्पानेट स्टैंड फॉर एडवास प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क आर्पानेट वॉज द नेटवर्क डेट बिकेम द बेसिस फॉर द इंटरनेट इंटरनेट जिस नेटवर्क पे बेस कर रहा है दैट इज नोन एज अ आर्पानेट इट वॉज ड बाय द यू एस डिपार्टमेंट डिफेंस विद द कोलेबोरेशन ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फॉर द परपज ऑफ शेयरिंग द इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर्स Define NSFNet. NSFNet stands for National Science Foundation Network. NSF established five supercomputing centers, which were available to all researchers for the academic purposes. National Science Foundation ne research purpose ke liye five supercomputer par konsi network design kiya, jo ke high speed network tha, jisko naam diya Define www. www stands for World Wide Web. It is a collection of millions of uploading websites. With the help of www, we can easily access the information available on the internet. Internet के ऊपर जितनी भी websites हैं अगर हम उनको access करना चाहते हैं तो with the help of www हम उनको access कर सकते हैं Define telnet. It is a software tool that allow one computer to connect to another computer. इट अलाउज टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन ऑफ द अदर कंप्यूटर्स यानी कि अगर हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं उसके लिए जो सॉफ्टवेयर टूल यूज़ किया जाता है उसको हम लोग नाम देते हैं किसका टेलनेट का इसका बेसिक पर्पज़ क्या होता है कि हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर पड़ी हुई इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकें वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ एफ टी पी इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है और डिफाइन अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग एफ टी पी स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ऐसे प्रोटोकॉल ऐसा प्रोसेस जिसकी मदद से हम फाइल्स को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ट्रांसफर करते हैं उन प्रोटोकॉल्स को हम लोग नाम देते हैं एफ टी पी का द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ फाइल फ्रॉम आर रिमोट कंप्यूटर्स किसी सर्वर मशीन से अगर हम अपनी लोकल मशीन के ऊपर अपने कंप्यूटर के ऊपर कोई फाइल ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं किसका डाउनलोडिंग का द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ फाइल फ्रॉम आवर ऑन कंप्यूटर टू आर रिमोट कंप्यूटर यानी कि अगर हम अपनी मशीन से किसी सर्वर मशीन पे किसी फाइल को ट्रांसफर करेंगे दिस प्रोसेस इज नोन एज अ अपलोडिंग और अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के लिए जो प्रोटोकॉल यूज की जाते हैं आर नोन एज अ एफ टी पी प्रोटोकॉल ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट बात है कि एफ टी पी स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के लिए जो प्रोटोकॉल यूज की जाते हैं दीज प्रोटोकॉल आर नोन एज अ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल डिफरेंस बिटवीन इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट एंड इंटरनेट इज अ प्राइवेट ऑन स्क्योर बिजनेस नेटवर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ उसी ऑर्गेनाइजेशन के लोग आपस में कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट द फाइल एंड मैसेज आर एक्सचेंज अमंग द यूजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑनली वॉट इज एक्स्ट्रानेट एक्स्ट्रानेट इज द कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इंटरनेट जब दो या दो से ज्यादा इंटरनेट को आपस में कनेक्ट करते हैं तो फिर जो नेटवर्क हमारे पास बनता है दैट इज नोन एज अ एक्स्ट्रा नेट डिफरेंस बिटवीन ब्रिज एंड गेट वे ब्रिज इज अ डिवाइस दैट कैन बी यूज टू कनेक्ट सिमिलर टाइप्स ऑफ नेटवर्क जहां पर आपने सिमिलर टाइप्स के नेटवर्क को कनेक्ट करना है तो उसके लिए जो डिवाइस यूज की जाती है दैट इज नोन एज अ ब्रिज वेरी इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज डैश डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट सिमिलर टाइप्स ऑफ नेटवर्क दैट इज नोन एज अ ब्रिज गेट वे इज अ डिवाइस दैट कैन बी यूज टू कनेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए गेट वे यूज किया जाता है सिमिलर टाइप्स के नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए ब्रिज यूज़ करते हैं इट इज़ द कंबिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फाइन राउटर राउटर इज़ अ डिवाइस दैट कैन बी यूज टू कनेक्ट सिमिलर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क ब्रिज की मदद से सिमिलर टाइप्स के नेटवर्क को कनेक्ट किया जाता है गेट की मदद से डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क को कनेक्ट किया जाता है अगर हम सिमिलर और डिफरेंट दोनों तरह के नेटवर्क को कनेक्ट करना चाहें तो इसके लिए हम राउटर को यूज़ करते हैं राउटर इज अ कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो राउटर का ब्लैक बॉक्स होता है जो उसकी बॉडी होती है जो उसका स्केलेटन होता है उसको हम लोग नाम देते हैं कि इसका दैट इज नोन एज अ हार्डवेयर और इस हार्डवेयर को चलाने के लिए वी नीड सम ऑपरेटिंग सिस्टम वी नीड सम राउटिंग प्रोटोकॉल दीज आर नोन एज अ सॉफ्टवेयर डिफाइन सी एस एम ए सी डी सी एस एम ए सी डी स्टैंड फॉर कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कुल डिटेक्शन ये बेसिकली हमारे पास प्रॉब्लम है जो हमें बस टोपोलॉजी में फेस करना पड़ता है जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर एट द सेम टाइम मैसेज जो है वो सेंड करते हैं देन द मैसेज कोलाइड विथ ईच अदर एंड कॉज द लॉस ऑफ मैसेजेस यानी कि बस टोपोलॉजी में जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स एट द सेम टाइम मैसेज सेंड करेंगे उन मैसेजेस की आपस में कुलियन होगी जिससे हमारा डाटा जो होता है वो लॉस होता है इस प्रॉब्लम को हम कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कुलियन डिटेक्शन कहते हैं

यानी कि जब भी हम अपनी मशीन के ऊपर इंटरनेट को यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज कि देते हैं दीज प्रोटोकॉल्स आर नोन एज ए टी सी पी आई पी प्रोटोकॉल और ये वाइड एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हैं डिफाइन आई एस डी एन आई एस डी एन स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क इट इज अ सेट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड टू ट्रांसमिट डेटा वॉइस एंड वीडियो एज डिजिटल सिग्नल्स ओवर ट्विस्टेड टेलीफोन लाइन यानी कि टेलीफोन लाइंस के ऊपर डिजिटल फॉर्म में जब हमने डेटे को ट्रांसफ़र करना होता है तो उसके लिए जो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड यूज़ किए जाते हैं उसको नाम दिया जाता है किसका आई का आई की मदद से ना सिर्फ हम डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं बल्कि वॉइस और वीडियो को भी इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल टेलीफोन लाइन के ऊपर ट्रांसफ़र किया जा सकता है डिफाइंड डी एस एल डी एस एल स्टैंड फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन It is an alternative of ISDN. Today, the technology we use for internet with telephone line that is known as a DSL. It is a high-speed communication medium used to transfer digital signals over standard telephone lines. Define LAN with example. LAN stands for Local Area Network. When two or more than two computers are interconnected within a room, within a building, within limited area, is called Local Area Network. Example of local area network college computer lab internet cafe. Define wide area network with example. WAN stand for wide area network when two or more than two computers are interconnected all over the world or that covers unlimited geographical area is called wide area network. The example of wide area network is known as a internet. Define MAN MAN stands for Metropolitan Area Network when two or more than two computers are interconnected within a city it is called Metropolitan Area Network example cellular phone systems are the example of a metropolitan area network fine network standard network standard is a precise document containing the technical and physical specification about the network जब हम एक नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं उस नेटवर्क की जो टेक्निकल और फिजिकल स्पेसिफिकेशन होती है उसको एक डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है उस डॉक्यूमेंट को हम लोग नाम देते हैं किसका नेटवर्क स्टैंडर्ड का दे आर टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क स्टैंडर्ड नंबर वन डिफेक्टो एंड नंबर टू डिजोरे डिफरेंस बिटवीन डिफेक्टो एंड डिजोरे स्टैंडर्ड्स डिफेक्टो स्टैंडर्ड डिफेक्टो मीनस बेस्ड ऑन बाई ट्रेडिशन और बाई फैक्ट्स ऐसे स्टैंडर्ड्स जो कि डिज़ाइन किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट विदाउट एनी रिसर्च दीज स्टैंड आर नोन एज डिफेक्ट स्टैंडर्ड्स इसकी एग्जाम्पल हमारे पास है एस एन ए सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर डिजोरे स्टैंडर्ड्स डिजोरे मीन अकॉर्डिंग टू लॉ और एक्सपेरिमेंट ऐसे स्टैंडर्ड जो कि आफ्टर कंप्लीट रिसर्च आफ्टर एक्सपेरिमेंट डिजाइन किए जाते हैं और अप्रूव किए जाते हैं बाय द गवर्निंग बॉडी दीज स्टैंड आर नोन एज अ डिजोरे स्टैंडर्ड्स ये गवर्निंग बॉडीज कौन कौन सी हैं आंसी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट आई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन आई ट्रिपल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स डिफाइन एप्लीकेशन लेयर एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड नेटवर्क सर्विस टू यूजर एप्लीकेशन यूजर जिस एप्लीकेशन की मदद से कम्युनिकेशन परफॉर्म करना चाहता है उस एप्लीकेशन को तमाम की तमाम नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करना एप्लीकेशन लेयर की रिस्पांसिबिलिटी है ऑल द एप्लीकेशन प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर रन ऑन दिस लेयर फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्काइप की मदद से कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं अगर हम व्हाट्सएप की मदद से कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं तो वो ऑल दिस एप्लीकेशन कैन भी रन ऑन दिस लेयर दैट्स वाई एप्लीकेशन लेयर हैज़ अ डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द यूज़र इट अलाउज़ एप्पलीकेशन प्रोग्राम टू कम्युनिकेट विद द एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑन द रिमोट कंप्यूटर यानी कि जो एप्लीकेशन प्रोग्राम आपका सोर्स मशीन पे है वही एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो आपका डेस्टिनेशन मशीन पे होना चाहिए ताकि उनके दरम्यान कम्युनिकेशन जो है परफॉर्म हो सके डिफाइन प्रेजेंटेशन लेयर प्रेजेंटेशन लेयर कंसर्न विद हाउ डाटा इज़ कन्वर्टेड एंड फॉर्मेटेड फॉर डाटा ट्रांसफ़र सोर्स टू डेस्टिनेशन डाटा को किस फॉर्मेट में हम ट्रांसफ़र करते हैं दैट इज़ द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर इट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डाटा कंप्रेशन डाटा इंक्रिप्शन डाटा कन्वर्जन एंड डाटा ट्रांसलेशन यानी कि प्रेजेंटेशन लेयर की ये भी रिस्पॉसिबिलिटी होती है कि इसने डाटे को कंप्रेस करना होता है डाटे को इंक्रिप्ट करना होता है डाटे को ट्रांसलेट करना होता है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी लेयर जो है वो डाटा कंप्रेशन डाटा इंक्रिप्शन डाटा ट्रांसलेशन जो है परफॉर्म करती है दैट इज नोन एज अ प्रेजेंटेशन लेयर डिफाइन सेशन लेयर सेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ टू डिवाइसिज इस्टेब्लिश मेनटेन एंड मैनेज कनेक्शन दो डिवाइसेस के दरमियान सेशन को इस्टेब्लिश करना मेंटेन करना मैनेज करना और जब कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाए उस सेशन को एक्सपायर करना देट इज़ द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ सेशन लेयर इट इज़ आल्सो रिस्पांसिबल हाउ टू डिवाइसेस टॉक टू ईच अदर दीज कशंस आर कॉल्ड सेशन डिफाइंड ट्रांसपोर्ट लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर इज़ रिस्पॉसिबल फॉर ब्रेकिंग डेटा इन टू सेगमेंट जो लार्ज वालीम ऑफ डेटा होता है उसको स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड करना दट इज़ द रिस्पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर It is responsible for establishing an end-to-end -end logical connection between machines. It is also responsible for error handling. Define network layer. Network layer is responsible for the connection and transfer of data packets between different devices or networks. Source or destination ke data ko transfer karna, that is the responsibility of network layer. It is also responsible to provides data routing path for network communication. डेटा राउटिंग पाथ प्रोवाइड करना आइडेंटिफाई करना यह भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नेटवर्क लेयर की डेटा एट दिस लेवल इज पैक्ड इन टू द पैकेट्स डेटे को पैकेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है नेटवर्क लेयर पर डिफाइंड डेटा लिंक लेयर डेटा लिंक लेयर मेक्स द डेटा रेडी टू ट्रेवल ओवर अ फिजिकल मीडिया सेच एस केबल्स दिस लेयर सेंड एंड रिसीव डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर विदाउट एनी एरर बगैर किसी एरर के डाटे को सेंड करना रिसीव करना दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डाटा लिंक लेयर। डाटा एट दिस लेवल इज पैकेज इन टू फ्रेम्स डेटे को फ्रेम्स में कन्वर्ट किया जाता है डाटा लिंक लेयर पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क कवर्स द शॉर्ट डिस्टेंस इनमें से कौन सा नेटवर्क ऐसा है जो शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करता है लैन लोकल एरिया नेटवर्क वैन वाइड एरिया नेटवर्क मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क तो लोकल एरिया नेटवर्क जो है ये शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करने के लिए यूज़ किया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्पोनेंट इज नॉट रिलेटेड टू लैन इनमें से कौन सा कम्पोनेंट ऐसा है जो लोकल एरिया नेटवर्क से रिलेट नहीं करता कम्युनिकेशन मीडिया ब्रिज गेट वे मोडैम मोडैम जो है ये बेसिकली हम वाइड एरिया नेटवर्क के लिए यूज़ करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया इज़ यूज इन लोकल एरिया नेटवर्क कोगजल केबल माइक्रोवेव सेटलाइट नन ऑफ दिस तो कोगजल केबल जो है ये बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में माइक्रोवेव और सेटेलाइट कम्युनिकेशन जो है ये बेसिकली यूज़ की जाती है वाइड एरिया नेटवर्क में विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया इज़ यूज इन लो कॉस्ट लोकल एरिया नेटवर्क तो यहाँ पर हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल जो है ये बेसिकली यूज़ की जाती है लो कॉस्ट एरिया नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क के लिए जबकि फाइबर ऑप्टिक केबल और क्वैक्ल केबल को हम हाई कॉस्ट लोकल एरिया नेटवर्क के लिए यूज़ करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लैन प्रोटोकॉल इथर्नेट टोकर रिंग ए आर सी नेट टी सी पी आई पी ये तीनों जो हैं ये लोकल एरिया नेटवर्क के प्रोटोकॉल हैं जबकि टी सी पी आई पी प्रोटोकॉल जो है ये वाइड एरिया नेटवर्क या इंटरनेट का प्रोटोकॉल है विच ऑफ़ द फॉलविंग प्रोटोकॉल इज यूज इन बस्ट पॉलोजी तो बस टोपोलॉजी में हम इथेनेट प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं रिंग टोपोलॉजी में टोकन रिंग को यूज़ किया जाता है और स्टार टोपोलॉजी में हम ए आर सी नेट को यूज़ करते हैं तो so यानी कि एक ही एम सी क्यूज में ये तीन बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली बस टोपोलॉजी में इथेनेट को रिंग टोपोलॉजी में टोकन रिंग को और स्टार टोपोलॉजी में ए आर सी नेट को यूज़ किया जाता है विच ऑफ द फॉल्विंग टपोलॉजी यूज़ ए आर सी नेट That is a start topology. Which of the following protocol is used to access internet? Internet to access can easily protocol use that is the IP protocol. Which of the following protocol is associated with IBM, which works on the concept of a ring network or a token? So that is known as a token ring. The internet is an example of a wide area network. Which of the following network type is used by mobile phone system, that is a metropolitan area network. Which of the following is not a governing body that approves the network standard? ANSI IEEE ISO, IBM. IBM आई एस जो ये कंपनी नेम है ये कोई हमारे पास गवर्निंग बॉडी नहीं है जो स्टैंडर्ड्स को अप्रूव करती है All nodes are connected to a single cable in a bus topology. Bus topology हम सिंगल केबल की मदद से डिफरेंट नोड्स को डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं विच ऑफ द following नेटवर्क टोपोलॉजी यूज द टोकन पासिंग स्कीम रिंग टेपोलॉजी में हम लोग टोकन पासिंग स्कीम को यूज करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टपोलॉजी इन्वॉल्व द कंसेप्ट ऑफ रूट्स तो मेस्ट टपोलॉजी में हम रूट्स की मदद से जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसकी मदद से इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करते हैं हाउ मेनी ले एस आई मॉडल दैट इज अ सेवन लेयर्स विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ ओ एस आई मॉडल प्रोवाइड्स नेटवर्क सर्विसेज टू यूजर एप्लीकेशन दैट इज द एप्लीकेशन लेयर Which of the following layer of OSI model is responsible for breaking data into segments? That is known as the transport layer. Which of the following layer of OSI model control transmission of data in the form of bit over the transmission medium such as cable, etc., is known as a data link layer. Which layer of the OSI model does data compression? That is known as the presentation layer. Data compression bhi presentation layer, karti hai. data encryption hai ye bhi presentation layer. Karti hai. Cabling on a linear bus topology can be extended using which of the following? That is a barrel connector. The media access control sublayer resides in which layer? That is a data link layer. FWDI is a ring network. ISDN stands for Integrated Services Digital Network. How many pairs of computers can simultaneously communicate on Ethernet LAN? That is a multiple. One or more computer connected to a hub computer is a star network. अ कनेक्शन फॉर सिमिलर नेटवर्क सिमिलर नेटवर्क के लिए हम ब्रिज यूज करते हैं डिफरेंट नेटवर्क के लिए हम गेट वे यूज करते हैं सिमिलर और डिफरेंट के लिए हम लोग राउटर यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर पर यूज द इंटरनेट इज नोन एज अ ब्राउजर टर्मिनल इज अ डिवाइस टू गिव पावर सप्लाई टू कम्प्यूटर पॉइंट एट विच डाटा एंटर और लीव द कंप्यूटर द लास्ट इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम एनी इनपुट डिवाइस टर्मिनल जो है वो कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस हो सकती है डैश डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क दैट इज नोन एज अ गेट वे

नंबर टू सेंडर सेंडर को सोर्स भी कहा जाता है ट्रांसमीटर भी कहा जाता है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर थ्री रिसीवर रिसीवर को डेस्टिनेशन भी कहा जाता है सिंक भी कहा जाता है सिंक का मतलब होता है डूबना यहाँ पर मैसेज आपका जहाँ पर जाके ख़त्म हो जाता है उस लोकेशन को हम रिसीवर डेस्टिनेशन या सिंक कहते हैं नंबर फोर कम्युनिकेशन चैनल नंबर फाइव एनकोडर डिकोडर वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर सिग्नल इंटू एनॉलॉग सिग्नल ऐसी उसको एनकोडर कहा जाता है और ऐसी डिवाइस जो एनॉलॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में अगेन कन्वर्ट करती है उसको डिकॉडर कहा जाता है डिफाइन सिग्नल द इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक और लाइट वेव रिप्रेजेंटिंग डेटा और कॉल्ड सिग्नल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव्स यूज़ की जाती हैं, उनको सिग्नल्स का नाम दिया जाता है दीज आर यूज्ड टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम की मदद से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक डेटा को ट्रांसफर करने के लिए हम इन सिग्नल्स को यूज़ करते हैं दे टू टाइप्स ऑफ सिग्नल्स नंबर वन डिजिटल सिग्नल्स एंड नंबर टू एनालॉग सिग्नल्स डिफाइन एनालॉग सिग्नल्स इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है राइट टू करेटिस्टिक्स ऑफ एनालॉग सिग्नल इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है एनालॉग सिग्नल्स हमारे पास ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो कंटिन्यूस फॉर्म में होते हैं और इन सिग्नल्स को हम कैरियर वेव्स भी कहते हैं दे टू करेटिस्टिक्स ऑफ एनालॉग सिग्नल नंबर वन फ्रीकवेंसी फ्रीकवेंसी मीन्स द नंबर ऑफ टाइम्स अ वेव रिपीट्स इट्स सेल्फ ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल एक टाइम इंटरवल में जितनी दफ़ा एक वेव अपने आप को रिपीट करती है वो फ्रिक्वेंसी कहलाती है एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ अव लेंथ इन अवन टाइम पीरियड दैट इज नोन एज अम्पलीट्यूड डिफाइंड डिजिटल सिग्नल्स डिजिटल सिग्नल ऐसे सिग्नल जो कि डिसकंटिन्यूस फॉर्म में होते हैं डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं फिक्स फॉर्म में होते हैं दीज सिग्नल्स आर नोन एज अ डिजिटल सिग्नल्स इन साइड द कंप्यूटर सिस्टम जो सिग्नल हम लोग यूज करते हैं वो डिजिटल सिग्नल होते हैं जो कंजिस्ट करते हैं ऑन ऑफ पर जीरो वन पर जीरो जो है वो रिप्रेजेंट करता है ऑफ को वन जो है रिप्रेजेंट करता है ऑन को और ये जीरो वन जो होते हैं ये बेसिकली हमारे पास बाइनरी फॉर्म में डाटा जो होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम डिफाइन इमेज टाइप डाटा डाटे को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स यूज करते हैं अगर डाटे को हम लोगों ने चार्ट की फॉर्म में ग्राफ्स की फॉर्म में पिक्चर फॉर्म में फ्री हैंड ड्राइंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो दिस टाइप ऑफ डाटे को हम लोग नाम देते हैं इमेज टाइप डाटा का और ये बेसिकली हमारे पास मोर कंप्रहेंिव वे होता है न्यूमेरिकल डाटे को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए इमेज टाइप डाटा कैन भी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पिग्जल्स कंप्यूटर के अंदर इनको हम पिग्जल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं डिफाइन पैरल ट्रांसमिशन The concurrent flow of bits of data through separate communication lines is called parallel transmission. Internal transfer of binary data in a computer uses parallel mode. If we want to transfer 16 bit data, we require 16 separate communication lanes. If we want to transfer 32 bit data, transfer, we require 32 separate communication lanes. Data transmission speed is fast in parallel transmission as compared to serial transmission. Data transfer between computer and printer are the example of. आपने तीन पॉइंट्स लिखने हैं डाटा ट्रांसफर ओवर टेलीफोन लाइन सीरियल पैटर्न डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड इन बिट बाय बिट फैशन द स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन इज स्लो एज कंपेयर टू पैरल ट्रांसमिशन देर आर टू टाइप्स ऑफ सीरियल ट्रांसमिशन नंबर वन ए एंड नंबर टू सिंक्रॉनियस ट्रांसमिशन डिफाइन ए ट्रांसमिशन स ट्रांसमिशन को हम करेक्टर बाय करेक्टर ट्रांसमिशन भी कहते हैं स्टार्ट एंड स्टॉप ट्रांसमिशन भी कहते हैं इन एस इंक्रोनिक ट्रांसमिशन डेटा कैन बी सेंड यूजिंग फ्लो कंट्रोल रेदर देन अ क्लॉक टू सिंक्रोनाइज डेटा बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन यानी कि एस इंक्रोनिस ट्रांसमिशन में अगर हमने डाटे को सेंड करना है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन तो विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्लॉक डाटा ट्रांसफर किया जाता है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बात है अ स्टार्ट बिट हैज अ वैल्यू जीरो अगर स्टार्ट बिट की वैल्यू जीरो होगी तो इसको हम स्पेस डेट कहेंगे और अगर हमारे पास स्टॉप बिट होगी तो उसकी वैल्यू वन होगी जिसको हम मार्क स्टेट कहते हैं डिफाइन सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन अ टाइप ऑफ ट्रांसमिशन डेट यूज अ क्लॉक टू कंट्रोल द टाइमिंग ऑफ बिट बी सेंट सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन में डाटा के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ क्लॉक डाटा कैन बी सेंट ब्लॉक बाय ब्लॉक इट इज ऑल्सो नोन एज अ ब्लॉक बाय ब्लॉक ट्रांसमिशन लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा कैन बी सेंट विद द हेल्प ऑफ सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन द स्पीड ऑफ सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन इज फास्टर As compared to asynchronous transmission, but it's little bit expensive as compared to asynchronous transmission. Define bandwidth. The bandwidth is a measure of the transmission rate of communication channel. The capacity of a communication channel is known as a bandwidth. There are two types of bandwidth: number one baseband and number two broadband. Define baseband signal. Digital signals are also known as a baseband signals. इट इज़ अ कम्युनिकेशन टेक्निक इन विच डिजिटल सिग्नल्स आर प्लेस्ड ऑन द ट्रांसमिशन लाइन विदाउट मॉडुलेटिंग यानी कि जिस फॉर्म में सिग्नल्स होते हैं उसी फॉर्म में सिग्नल्स होते हैं वो ट्रांसफर किए जाते हैं ऑन अ कम्युनिकेशन लाइन इट कैन बी यूज फॉर स्मॉल डिस्टेंस स्मॉल एरिया के लिए स्मॉल डिस्टेंस के लिए हम डिजिटल सिग्नल्स को बेसबैंड सिग्नल्स को यूज़ करते हैं टोकर रिंग एंड इथरनेट यूज बेसबैंड सिग्नल्स इन अ लोकल एरिया नेटवर्क डिफाइन ब्रॉडबैंड सिग्नल्स ब्रॉडबैंड इज द टेक्निक फॉर ट्रांसमिटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा वॉइस वीडियो ओवर लॉन्ग डिस्टेंसिज एट द सेम टाइम बाय मॉड्यूलेटिंग बेसमैंड सिग्नल्स में हम विदाउट मॉड्यूलेटिंग डाटे को ट्रांसफर करते हैं ब्रॉडबैंड में डाटे को आफ्टर मॉड्यूलेटिंग ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन एफ डी एम फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक यूज टू ट्रांसफर सेवरेल स्ट्रीम ऑफ डाटा एट द सेम टाइम इसमें एक टेक्नीक यूज़ की जाती है जिसमें हम सेवरल स्ट्रीम ऑफ डाटे को एट द सेम टाइम सोस टू डेस्टिनेशन ट्रांसफर करते हैं ब्रॉडबैंड इज़ द बैंड विद यूज़ फॉर डरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन हाई स्पीड कंप्यूटर्स लाइक मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जितने भी हमारी बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं वो ब्रॉडबैंड सिग्नल्स को यूज़ करती हैं डेटे की ट्रांसमिशन के लिए इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन टू डिवाइसिस वाया सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया इज कॉल्ड डाटा कम्युनिकेशन यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसकी मदद से इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर किया जाता है इसको भी हम लोग नाम देते हैं डाटा कम्युनिकेशन का द इंफॉर्मेशन डैट इज टू बी ट्रांसफर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन इज कॉल्ड मैसेज जो इंफॉर्मेशन हम एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करते हैं उसको मैसेज का नाम दिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा कम्युनिकेशन कंपोनेंट इज यूज टू रिसीव मैसेज दैट इज नोन एज अ रिसीवर इसको रिसीवर भी कहते हैं डेस्टिनेशन भी कहते हैं सिंक भी कहते हैं The electromagnetic or light wave representing data are called signals. The number of times a wave repeats during a specific time interval is called frequency. The height of a wave within a given time period is called amplitude. The charts, graphs and pictures are example of image type data. The music and speech represents the audio data. Which of the following device use the parallel transmission that is known as a printer?

Which of the data transmission type use the synchronized clock that is known as a synchronous transmission? Which of the following technique does not use the modulation that is a baseband? Which of the following communication technique is used to transmit, transmit large amount of data such as voice video over long distance by using modulation that is known as a broadband signals? How many types the communication media is divided? There are two types number one guided media and number two unguided media. विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज गाइडेड मीडिया माइक्रोवेव सेटेलाइट फाइबर ऑप्टिक केबल फाइबर ऑप्टिक केबल जो है हमारे पास गाइडेड मीडिया की एग्जाम्पल है द बैंडवेट ऑफ द क्वेक्सल केबल इज टू टाइम्स ग्रेटर दैन ट्वेंटी टाइम्स ग्रेटर दैन फोर्टी टाइम्स ग्रेटर दैन एटी टाइम्स ग्रेटर दैन ट्विस्टेड पेयर केबल विच ऑफ द फॉलोइंग यूज लाइट ट्रू ट्रांसमिट डाटा दैट इज नॉन एज अ फाइबर ऑप्टिक केबल एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल इज़ रिफ्रैक्शन the transmission capacity of fiber optic cable is 26,000 times greater than twisted pair cable. the diameter of core of fiber optic cable is 62.5 microns. which of the following is an example of unbounded media? microwave, fiber optic, twisted pair, coaxial cable. so unbounded media, to example, hai, that is known as a microwave transmission. In microwave transmission system antennas are placed on a high towers or buildings and these are placed within 200 to 300 miles 2 to 3 miles 20 to 30 miles of each other that is a correct option satellites rotate approximately dash miles above the earth that is at 23300 miles satellite transmission stations that can both send and receive message are known as a earth stations which of the following affects the quality of satellite transmission? That is a bad weather. The time taken by a data signal to reach to moon and then back to earth was about two seconds. The process to convert analog signal into digital signal is called decoder. In dash transmission, data is transmitted character by character. That is known as a asynchronous transmission. The number of frequencies that can fit on a link at one time is called bandwidth fiber optic cable is better for very high speed high capacity for data transmission than dash cable because of the lack of purity of the signal that is a coaxial cable data communication signals can be in the form of dash or dash digital analog text images audio video none of these that is a digital and analog microwave transmissions coaxial and fiber optic are example of communication medium or communication links the dash is the physical path over which a message is travels. Protocol, medium, signal, all of above. Medium is the physical path that can be used to transfer a message from source to destination. Ashta thank you very much.